ಕ್ರಾಂತಿಗೆ, ಕುಮಾರ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ, ಕುಮಾರ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ, ದೇವೇಗೌಡ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳಕ್ಕೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ। रियासत कर्नाटक गुलबर्गा शहर में जनता दल सेकुलर पार्टी की जानिब से जनता जलाधार यात्रा गाड़ी का यहां के अप्पा टेम्पल्स के सामने जनता दल सेकुलर पार्टी के लीडर कृष्णा रेड्डी और दिगर लीडरान के हाथों इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर कृष्णा रेड्डी ने बताते हुए कहा, इस जनता जलाधार का यात्रा का मकसद कर्नाटक भर में पेश आने वाले पानी के मसाइल को लेकर हल करने के लिए यहाँ के देहातों का दो दिन का दौरा किया जाएगा। इस यात्रा के जरिए जनता दल सेकुलर पार्टी आवाम के बीच जाकर आवाम के बुनियादी मसाइल को जानने की कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातो, नमस्कार, जय भीम। आज जो दक्षिण मत क्षेत्र के अंदर जो जलाधारा का जो आज जो हम लोग चालने दिए एसबी टेंपल से, तो आज गुलबर्गे के दक्षिण मत क्षेत्र में 28 गाँव विलेजेस को आज दो दिन हम लोगों का प्रवास है। आज जो जलाधारा, जो ये जलाधारा का मतलब क्या है, जलाधारा का मतलब ये, आज यहाँ पे लोग पानी को लेके परेशान है, किसान परेशान है। आज डैम हमारे पास, डैम पूरे सूख गए, पूरे तालाबे सूख गए, मगर वो आने वाले दिनों में 2023 में कुमार स्वामी साहब मुख्यमंत्री बनते हैं 100%, और आने वाले दिनों में ये जो तालाबे है पूरे पानी से भरना बोल के हम लोगों का एक विजन है। आज हमारा हाईकमांड का एक विजन है कि आज पूरे गाँव जाके, आज किसान के घर के साथ जाके किसान को ये समझो, आने वाले 2023 में कुमार स्वामी साहब मुख्यमंत्री बन रहे और तुम्हारे गांव का भला होता बोल के आज किसान को समझाने के लिए हम लोग दो दिन यहाँ पे कार्यक्रम डाले। पिछले 14 महीने सरकार में कुमार स्वामी साहब का 25,000 करोड़ रुपए साला मन्ना किए थे, आज भी किसान याद कर रहे, आज पूरे किसान वेट कर रहे कि कुमार स्वामी साहब हमारा साला मन्ना करे। आज कुछ नया विजन लेके आए बोल के आज किसान हमारे लिए वेट कर रहे, आज उनको हम जलाधारा के मुखांतर आज उनको समझाने के लिए जा रहे। आने वाले दिनों में ये सरकार हुकूमत में आना ही आना है, और आप लोगों का जो तकलीफ पानी का है, और गुलबर्गे के सिटी में भी लेके जो ये LNT को जो दिए हैं यहाँ पे, LNT पानी सप्लाई करता, ये भी LNT भी ना काम कर रहा है। आज गुलबर्गे के आवाम भी परेशान है पानी को लेके, ये जलाधारा बोले तो पानी को विशेष लेके सबको आ गया है, किसान को आ गया, गुलबर्गे के आवाम के लिए भी ये अच्छा मैसेज है। आज पानी को लेके बहुत लोग परेशान है, आने वाले 2023 में यहाँ का साउथ का MLA JDS का बनेगा बोल के बोलना चाहता हूँ, और यहाँ के जो सरकार है आज पानी को तकलीफ है, किसान मर रहे हैं, पानी को किसान खेत में कुछ पेर नहीं सक रहा है, तो आज सरकार उनको जो सहूलतें देना है दे नहीं पा रहे, तो इसलिए आज कुमार स्वामी देवेगौड़ा साहब ने एक साल बिफोर जो है आज किसान को जाके आप संदेश देना है 2023 में आपके घर तक पानी आता बोल के बोलने के लिए हम लोग के लीडरशिप में हम 28 गांव जा रहे हैं बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आज जना जलधारा जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हमारे साउथ के कृष्णा रेड्डी जो है ना क्षण बसपा गुड़ी पे पूजा किए करके जो है ना आज हम विद रैली के साथ और इस कार्यक्रम को आज जगत सर्कल से लेके तीमापुरी तक, तीमापुरी से लेके तमाम विलेज तक, तो जो है ना आज जनादलधारा, ये जनादलधारा है क्या असल, ये जनादलधारा ये है, कर्नाटक स्टेट से पानी बाहर जा रहा है, पहले ही कर्नाटक में इतनी मुसीबत है पानी की, उसमें से भी ये पानी जो है स्टॉक किया हुआ पानी बाहर जा रहा है। जो ये मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है ये पानी को रोकने के लिए, ये पानी को रोकने के लिए नाकामयाब रही है। तो 1996 में देवेगौड़ा जी ने इसके ऊपर जो है ना काम किए थे, उसके बाद आज तक कंटिन्यू कुमार स्वामी जी ने इसको मेंटेन कर लेते आज तक यहाँ पे आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है कर्नाटक के पानी को मद्रास में, केरला में, दूसरे स्टेट में जाने के लिए रास्ता है तो वो रास्ते को रोक रही नहीं, कर्नाटक में पानी को सेफ नहीं कर रही है। पानी से इंसान चलता है, पानी से गाड़ी चलती है, पानी से हर चीज़, पानी से इवन पानी से प्लेन भी चलता है, प्लेन में भी अगर पानी नहीं है तो प्लेन भी नहीं चल सकता, सिर्फ जमीन पे नहीं आसमान में भी पानी की जरूरत है, तो पानी की जरूरत सबको है, पानी के बगैर खेती नहीं होती है, पानी के बगैर हर एक घर नहीं चल सकता, पानी के बगैर इंसान साफ सुथरा नहीं हो सकता, पानी के बगैर डीजल पेट्रोल कार नहीं चल सकती है, पानी के बगैर वो आसमान में जो प्लेन चलता है वो प्लेन भी नहीं चल सकता। तो इस चीज़ को समझे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुमार स्वामी, SD कुमार स्वामी जी समझे हैं, तो उन्होंने इसको जो है ना ये इशू को उठाए। जनादल धारा के ऊपर अब जो कार्यक्रम चल रहा है,
तो इसका मतलब और मकसद यही है कि कर्नाटक का जो पानी है कर्नाटक में सेफ होना चाहिए। जय हिंद, जय कर्नाटक। मैं सैयद बाबर मुस्तफा, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। इवत्तु नम्म राज्य जनता दलद माजी मुख्यमंत्रीगळाद ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ದೇವೇಗೌಡ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಅತ್ಯಂತ ಈ ಜಲಧಾರಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 28 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ 28 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಅನೇಕ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಲಧಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೀರಿಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬೇಸಿಗೆ ಬತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರೋದಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಹೊಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜನರ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು ಬಹುಮತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ।